डॉल केक, ठीक है, मैंने ऐसा मोल्ड में कर लिया था। तो हाफ के जी का हम लोग का डॉल केक बनने वाला है। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कटिंग करके लेबलिंग कर लेंगे। ओके, पहले हम लोग इसका थोड़ा लेबलिंग कर लेते हैं, तो हम लोग डॉल बैठेगा फिर। ओके, मेरा स्पॉन्ज का और भी वीडियो है, आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स। ओके, थोड़ा हम लोग इसमें क्रीम लगाएंगे तो हम लोग का केक यहाँ से हिलेगा नहीं। ओके, अभी आप यहाँ पे 3 layers 4 layers एज यू विश आप कटिंग कर सकते हो। फर्स्ट लेयर, ठीक है, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। ओके, लेयर कटिंग हो गया है। चॉकलेट स्पॉन्ज है इसलिए हम लोग अच्छे से इसको पहले, आप यहाँ पे शुगर सिरप भी दे सकते हो, बट यहाँ पे मैं नॉर्मल पानी दे रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी स्वीट होता है केक, है ना, इसलिए गैनाश के साथ मैंने यहाँ पे क्रीम को अच्छे से मिक्स किया है। ओके, ये हम लोग का गैनाश है। ओके, हम लोग यहाँ पे डालेंगे जिसे आपको अच्छा लगता है उतना क्रीम आप डाल सकते हो। ये पैलेट में अच्छे से हम लोग इसको लेवलिंग कर लेंगे, गैनाश डालेंगे इसके ऊपर और चॉकलेटी बनाने के लिए। ओके, गैनाश को अच्छे से इसमें फैला देते हैं। यहाँ पे चॉकलेट चिप्स देंगे, होममेड चॉकलेट चिप्स है, जैसे इतना आपको पसंद अपने चॉकलेट के बना सकते हैं इसको। ओके, बहुत अच्छा क्रंचेस आता है। फिर हम लोग अपना नेक्स्ट लेयर डाल देते हैं इसमें, उसको हम लोग थोड़ा भिगो लेते हैं पहले बिकॉज ऑलरेडी केक, कोको पाउडर केक क्या होता है, चॉकलेट केक बहुत ये रहता है ना, ड्राई रहता है, इसलिए हम लोग इसको अच्छा से मॉइस्ट करते हैं, ऊपर से भी मॉइस्ट करेंगे, साइड से ऊपर से अच्छे से मॉइस्ट करेंगे, ऐसे करके सब लेयर को असेंबल कर लेंगे। मैंने सब लेयर्स को अच्छे से असेंबल कर दिया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम लोग 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि हम लोग का अच्छा से लेयर सेट हो जाए। ओके, अभी हम लोग ने 15 मिनट्स इसको फ्रिज में रखे थे, फ्रिज में, हाँ फ्रीजर में नहीं, तो अभी हम लोग इसको थोड़ा डेकोरेशन करते हैं, डिजाइन देंगे ना, वो यहाँ पे कलर आपका अंदर वाला दिखेगा नहीं। ठीक है, इसलिए हम लोग पतला से एक लेयर देंगे, नहीं तो ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा वो। ओके, हमने थिन कोटिंग दे दिया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग जो दो डिज़ाइन है आप लोग यहाँ पे डाल सकते, दे सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे 1 mm ऐसा नोजल ले लिया है, आपको शायद सब नहीं दिख रहा होगा। ओके, देखिए तो इससे हम पहले यहाँ पे थोड़ा फ्लोरेट्स बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग और एक लेयर देंगे फ्लोरेट्स का। ठीक है, सेम नोजल से हम लोग यहाँ पे स्टार्स दे दिए हैं, देखिए यहाँ पे स्टार्स देंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से फिर से रोजेट्स देंगे तो पूरा कवर अप हो जाएगा हम लोग का केक। ओके, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखिए केक रेडी है, कितना सुंदर लग रहा है केक, इजंट इट, डॉल केक इज रेडी। ओके, यहाँ पे जिसका बर्थडे है ना उसका नाम लिख देंगे बस। ओके, आप यहाँ पे चाहिए तो कुछ स्पार्कल्स भी लगा सकते हो, इट लुक्स वेरी नाइस। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द रेसिपी, सॉरी वीडियो।
ओके ट्राई ट्राई करिएगा डॉल केक, देखिए कितना कैसा सुंदर बनता है, इसका बर्थडे खुश हो जाते हैं, इजंट इट। थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट रेसिपी, बाय बाय।